पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू जो है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे सो so, सबसे पहले क्या कह रहा है स्ट्रीट प्लान हमें स्ट्रीट प्लान दिया गया है गलियों का प्लान दिया गया है किसी शहर का सो ए सिटी हैज टू मेन रोड क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द द सिटी दीज टू आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एक शहर है उसके दो मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी यानी कि शहर के बीचों बीच वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं मेन रोड और जो दो रोड हैं वो किस तरह से हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है सो डायरेक्शन हमारी क्या होती है ये होती है ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ तो हम इसे ड्रॉ करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे सो so, यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया है ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन यानी कि ये नॉर्थ साउथ वाला रोड है ठीक है यहां लिख देता हूं नो एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ नॉर्थ साउथ वाला रोड है और दूसरा कौन सा है ईस्ट वेस्ट यानी कि ये ईस्ट वाला रोड सपोज कर लेंगे और ये वेस्ट वाला ईस्ट वेस्ट वाला रोड है ये ठीक है ये हो गया अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन को ऑल द अदर स्ट्रेट ऑफ द सिटी रन पैरल टू दीज रोड्स एंड टू हंड्रेड मीटर अपार्ट देर आर अबाउट फाइव स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू टू हंड्रेड मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन यूर नोटबुक हमें कह रहे हैं कि जो भी इन रोड्स के अलावा जो स्ट्रीट्स यानी कि गलियां हैं वो रोड्स के पैरल हैं ठीक है पैरल हैं और 200 मीटर दूरी पर हैं, 200-200 मीटर दूरी पर हैं, ठीक है 200 मीटर का इनमें गैप है आगे कह रहा है और दो सभी डायरेक्शंस में सभी डायरेक्शंस में फाइव फाइव यानी कि पांच पांच स्ट्रीट्स हैं और हमें स्ट्रीट जो है 200 मीटर दूरी पर जो स्ट्रीट है वो 1 सेंटीमीटर 200 को हम 1 सेंटीमीटर गैप लेके हमें उसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है मॉडल को ठीक है तो वो ड्रॉ करते हैं सो so, ये ड्रॉ कर लिया है हमने स्ट्रीट को सभी डायरेक्शन में फाइव फाइव स्ट्रीट हैं सो so, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रीट इसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ Street, ठीक है अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे है क्वेश्चन में देअर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारे मॉडल में बहुत सारी स्ट्रीट्स आ गई हैं, ठीक है और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट यानी कि एक दूसरे को जब गलियां क्रॉस कर रही हैं, वो कब बन रहा है वो दो गलियों से बन रहा है उनमें से एक क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और दूसरी ईस्ट वेस्ट वाली है तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है ये क्रॉस स्ट्रीट है पर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कट कर रही है सो ये किस वजह से बना है एक जो ईस्ट वेस्ट वाली ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है और एक नॉर्थ वेस्ट वाली सॉरी नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है इनसे मिलकर सभी क्रॉसिंग बने हैं आगे कह रहा है क्वेश्चन में इच क्रॉस स्ट्रीट रेफर इन द फॉलोइंग मैनर जो भी क्रॉस स्ट्रीट है उनको किस तरह से हमें बताया गया है उनको क्या रेफर किया गया है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन सेकंड स्ट्रीट मेन रोड ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला ठीक है और फर्स्ट स्ट्रीट ये सेकंड स्ट्रीट ये ठीक है इस स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं हमसे ठीक है ऊपर टिक कर देता हूं मैं इसे इस स्ट्रीट स्ट्रीट सेकंड है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली ठीक है सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ठीक है सो so ये सेकंड स्ट्रीट आगे कह रहा है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट सम क्रॉसिंग और जो फिफ्थ वाली है ईस्ट वेस्ट वाली ठीक है ये मेन ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ और ये फिफ्थ यानी कि ये वाली स्ट्रीट ये वाली स्ट्रीट किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती है नॉर्थ साउथ वाली सेकंड और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ तो ये कहां पर क्रॉस करेंगी ये यहां पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ठीक है आगे कह रहा है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2.5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइव हम जो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही इस इसको क्या कहेंगे इस क्रॉस को क्या कहेंगे 2.5 तो ये 2.5 ठीक है ये कहेंगे अब आप यहां पर देखें कि 2 जो है वो क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ वाला जो मेन रोड है उससे दूरी इसकी ठीक है और आप देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट वाले से दूरी कितनी है फाइव यानी कि जो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम पहले लिखेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस है वो बाद में लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल टू है ठीक है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है फाइव तो इसे हम टू इज टू फाइव रेफर करेंगे टू कोमा फाइव ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन अब क्वेश्चन में हमसे दो पॉइंट पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर कोमा थ्री फोरकोमा थ्री कितनी स्ट्रीट को हम रेफर कर सकते हैं तो एक ही स्ट्रीट स्ट्रीट क्रॉस को हम रेफर कर सकते हैं फोरकोमा थ्री और वो कौन सी होगी उसे शो भी कर देते हैं सो so, फोर क्या होना चाहिए हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसे हमने टू क्या था हमारा यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सो यहीं से हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा फोर सो so, ये वन टू थ्री और फोर यानी कि कौन सी स्ट्रीट है फोर्थ स्ट्रीट और नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली ठीक है और थ्री थ्री यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि जो ईस्ट वेस्ट वाला रोड है उससे थर्ड तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और ये एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं वही हो जाएगा हमारा फोर कोमा थ्री तो ये पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा फोर कोमा थ्री ठीक है इसी तरह से सेकंड में क्या कर रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज थ्री कोमा फोर अब हमसे कह रहा है कि थ्री कोमा फोर वाली क्रॉस स्ट्रीट कौन सी होगी सो so, अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्री हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्री कहां से क्या होगा यहीं से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो ये वाली स्ट्रीट होगी ठीक है ये वाली और वर्टिकली कितनी है फोर तो वर्टिकली क्या है वन टू थ्री और फोर्थ ये वाली स्ट्रीट ठीक है इन दो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रही है ये वाली और ये वाली स्ट्रीट यहां पर क्रॉस कर रही है तो ये पॉइंट हो जाएगा थ्री कोमा फोर ठीक है सो आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि सभी स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं एक दूसरे से क्रॉस स्ट्रीट्स जो हैं वो सभी यूनिक हैं बिल्कुल अलग हैं ठीक है जैसे फोर थ्री था ये थ्री फोर ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स होंगे ठीक है